समाचारों की ओर। आज के मुख्य समाचार। उत्कृष्ट कार्य करने पर शिक्षकों को किया सम्मानित। गणतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया। गणतंत्र दिवस पर बालिकाओं को किया पुरस्कृत। जिला अध्यक्ष आर्य का ग्रामीणों ने किया स्वागत। गैस सिलेंडर में लगी आग, हादसा टला। पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग। सरयादेव जयंती पर प्रतिभाओं का किया सम्मान। अब समाचार विस्तार से। उत्कृष्ट कार्य करने पर शिक्षकों को किया सम्मानित। पार्टी जॉन की रिपोर्ट के अनुसार जिला स्तरीय समारोह में 36 विशेष प्रतिभाशालियों को प्रभारी मंत्री भंवर सिंह पाटिल और जिला कलेक्टर ने पुरस्कृत किया। शिवगंज CBEO कार्यालय के RP सरवन खंडेलवाल को गणित विषय क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए पुरस्कृत किया गया। प्रधानाचार्य महेंद्र सिंह राव को शिक्षा के क्षेत्र में अव्वल कार्य हेतु पुरस्कृत किया गया। दोनों प्रतिभाशालियों को शिक्षा क्षेत्र में उत्कृष्ट करने पर सम्मानित किया गया। कर्मचारी नेता राम गोपाल सिंह, महासंघ जिला अध्यक्ष दशरथ सिंह भाटी सहित सभी शुभ चिंतकों ने बधाई दी। गणतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया। जावाल से मोहन देश प्रेमी की रिपोर्ट के अनुसार कस्बे समेत क्षेत्र के दर्जनों गांवों में भारत का 71वां गणतंत्रता दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। 26 जनवरी की प्रात वेला में निकटवर्ती कालंदी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ध्वजारोहण किया गया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर डॉक्टर SS भाटी ने सभी को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा करवाया। इस अवसर पर डॉक्टर भूपेंद्र प्रताप सिंह, डॉक्टर धर्मेंद्र शर्मा, मेल नर्स प्रथम महेंद्र कुमार, मेल नर्स द्वितीय उदय प्रकाश, रेवा शंकर, विनोद कुमार समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। गणतंत्र दिवस पर बालिकाओं को किया पुरस्कृत। पार्टी जवान की रिपोर्ट के अनुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार और प्रधानाचार्य हीरा खत्री ने बेटियों के जागरूकता कार्यक्रम में सबको शपथ दिलवाई। मुख्य स्वास्थ्य व चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार ने भ्रूण परीक्षण, कन्या भ्रूण हत्या जैसे अपराधों की जानकारी देकर इसे दंडनीय अपराध के साथ मानवता के लिए अभिशाप बताया। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सिरोही के प्रार्थना सत्र में मुख्य चिकित्सा अधिकारी और प्रधानाचार्य ने राष्ट्रीय बालिका दिवस की विजेता प्रतिभाओं को शब्द कोश भेंट किया। PT, परेड, सतोलिया खेल के विजेताओं को शील्ड व कलम देकर पुरस्कृत किया गया। समारोह में चिकित्सा विभाग के PC PNDT समन्वयक देव किशन छगाणी, सहायक जितेंद्र कुमार, विद्यालय में प्रवर्तियों प्रभारी विपिन गहलोत, गोपाल सिंह राव, सुश्री हेमलता रावल, शर्मिला डाबी सहित स्टाफ साथी उपस्थित थे। खबरों का सिलसिला यूं जारी रहेगा, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। जन समय न्यूज एवं पूरे टीम की ओर से इस 71वें गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर समस्त ग्रामवासियों, जिले वासियों एवं देश वासियों को हार्दिक बधाई एवं ढेरों सारी शुभकामनाएं। बालवाड़ा के सभी ग्रामवासियों व देशवासियों को 71वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। बालवाड़ा ग्राम पंचायत से सरपंच चुनाव हेतु योग्य, शिक्षित, ईमानदार, कर्मठ व मेहनती उम्मीदवार गंगा सिंह बालावत की धर्मपत्नी अनु कंवर को आप अपना समर्थन व सहयोग देकर विजय बनावे। उनका चुनाव चिन्ह बैठ का निशान है, उस पर आप अपना वोट व सहयोग देवे। विनय कुंवर प्रवीण सिंह बालावत ठिकाना बालवाड़ा, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष वीरम देव राजकीय PG कॉलेज जालू। ग्राम पंचायत उन्नड़ी बोरवाड़ा पंचायत समिति साहिला के लिए सरपंच चुनाव हेतु नेक, निरपेक्ष, अनुभवी, कर्मठ और ईमानदार उम्मीदवार जम्मू देवी को आप अपना साथ, सहयोग और समर्थन देकर विजय बनावे। उनका चुनाव चिन्ह कैमरा का निशान है, आप उस पर अपना वोट और समर्थन देवे। कृष्ण कुमार गर्ग की ओर से गणतंत्र दिवस की समस्त ग्रामवासियों व देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। ग्राम पंचायत उनड़ी पंचायत समिति साहिला के वार्ड नंबर 7 से उम्मीदवार कृष्ण कुमार गर्ग को निर्विरोध वार्ड पंच बनाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। श्री सुभद्रा माता टेंट हाउस की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। श्री सुभद्रा माता टेंट हाउस, हमारे यहाँ पर टेंट, दरी, कनात, बिस्तर, बर्तन, टेबल कुर्सी, पंखा, गेट,
चवरी सेट बंगाली दरबारी जनरेटर नए व वाजिब भाव में किराए पर मिलते हैं। सूर सिंह व रणजीत सिंह मोबाइल नंबर 9828287610 9772691175 पुणोद पोस्ट मोदरान जिला जालो राजस्थान। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। जिला अध्यक्ष आर्य का ग्रामीणों ने किया स्वागत। पार्थिव जहान की रिपोर्ट के अनुसार सिरोही के फुगड़ी गांव में आज कांग्रेस जनों की ओर से आयोजित स्नेह मिलन समारोह में विधानसभा चुनाव 2018 में उम्मीदवार रहे जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष व सिरगंज पंचायत समिति प्रधान जीवाराम आर्य ने शिरकत की। इस दौरान कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए और पार्टी के विभिन्न कार्यों एवं योजनाओं के बारे में चर्चा की। इस मौके पर कांग्रेस जनों ने आर्य का साफा व पुष्पहार पहनाकर स्वागत किया। समारोह में जिला कांग्रेस महासचिव अर्जुन सिंह देवड़ा प्रताप सिंह नून सहित अनेक पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे। गैस सिलेंडर में लगी आग हादसा टला। जावा से मोहन देश में की रिपोर्ट के अनुसार जैन धर्मशाला के पास निवासरत जबर सिंह करण सिंह चौहान के घर के गैस सिलेंडर में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। समय रहते गांव के डायालाल जीतू भाई भट्ट फूलाराम पुरोहित मनोहर सिंह उदावत लक्ष्मण सुतार को जानकारी मिलने पर गैस सिलेंडर में लगी आग को पानी व रेत डालकर बुझाने का प्रयास किया गया, जिससे करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद सिलेंडर में लगी आग पर काबू किया गया। सुरक्षा को देखते हुए गैस सिलेंडर में लगी आग की सूचना कालंद्री थाने में भी दी गई, जिस पर पुलिस प्रशासन के मौके पर पहुंचने तक आग को बुझाकर सिलेंडर को ठंडा करने के लिए खुली जगह पर रखवा दिया गया। पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग। भारती चौहान की रिपोर्ट के अनुसार सरकारी सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली को लेकर राष्ट्रीय आंदोलन की बैठक प्रदेश सचिव मनोज नालिया के सानिध्य में पुराना भवन सिरोही में आयोजित हुई। बैठक में अंशदायी पेंशन योजना पीड़ित शिक्षक कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि पेंशन सभी सरकारी कर्मचारियों का संविधान प्रदत्त हक है, जिसे पुरानी पेंशन वंचित कर्मचारी वर्ग हर हाल में लेकर रहेगा। वरिष्ठ कर्मचारी नेता राम गोपाल सिंह कोसालिया व मनोज नालिया के अनुसार नवीन पेंशन योजना के नाम पर कर्मचारियों के बुढ़ापे का सहारा खत्म किया जा रहा है। इस मौके पर NMOPS प्रदेश सचिव ने सैकड़ों पीड़ित शिक्षक कर्मचारियों को नई पेंशन व्यवस्था व पुरानी पेंशन में अंतर बताकर 5 सितंबर शिक्षक दिवस से चले आ रहे हस्ताक्षर जागरूकता अभियान को गति प्रदान की। करियादी जयंती पर प्रतिभाओं का किया सम्मान। माधुराम प्रजापत स्वरूपगंज की रिपोर्ट के अनुसार स्वरूपगंज कस्बे में प्रजापत धर्मशाला में माँ सरयादी मंदिर में सरयादी जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई, जिसके तहत महाआरती शोभा यात्रा सहित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए। वहीं मंदिर प्रांगण में प्रतिभावान छात्र छात्राओं का सम्मान सत्कार कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रतिभावान छात्र छात्राओं को स्मृति चिन्ह देकर बच्चों का हौसला बढ़ाया। तत्पश्चात माता जी को महाप्रसाद का भोग लगाकर सभी समाज बंधुओं ने भोजन प्रसादी का लाभ लिया। वही रात्रि में भजन गायक का किशोर पालीवाल और शंकर चौधरी ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति दी। इसी प्रकार रोहिड़ा गांव में भी श्री सरयादेव जयंती मनाई गई और शोभा यात्रा निकाली गई। वहीं श्री सरयादेव माँ की जयंती पर रोहिड़ा में रात्रि में भजन गायकर मोइनुद्दीन मंचला की ओर से भजनों की प्रस्तुति दी गई। और अंत में मौसम विज्ञान की जानकारी के अनुसार आज सिरोही शहर का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जन समय की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय भारत, जय सिरोही।